नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं क्रिप्टो में 1 लाख रुपए लेकर आया, सब बर्बाद हो गया। मैंने 50,000 रुपए लगाया, जीरो हो गया। मैं पहले क्रिप्टो से कमाया, उसके बाद जीरो हो गया। मतलब क्रिप्टो से सिर्फ पैसा बर्बाद होता है। अगर ऐसा आपके साथ आज तक हुआ है तो भी, और अगर आपने क्रिप्टो से एक भी पैसा नहीं बनाया है तो भी, आज की इस लॉन्ग टर्म वीडियो को इस महाभोकाल बुल रन से पहले 10 बार जरूर देख लेना, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्रिप्टो मार्केट का एक ऐसा काला सच बताने जा रहा हूं जो आपकी आंखें फाड़ देगा। लेकिन यदि किसी ने दम के साथ इस वीडियो को लास्ट एंड तक पूरा देख लिया, उसका आज के बाद एक पैसा भी क्रिप्टो के अंदर बर्बाद नहीं होगा। यह एक बहुत बड़ी वीडियो आप सभी के लिए लाइव की जा रही है एकदम फ्री में। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, मैं सबसे पहले बात स्टार्ट करता हूं कुछ पावरफुल कमेंट्स पॉइंट्स से। वो क्या, 99% लोगों का बोलना है आज तक मुझे सिर्फ लॉस हुआ है क्रिप्टो में। भले ही मैंने स्पॉट में ट्रेड की हो, भले ही मैंने फ्यूचर्स में ट्रेड की हो, मुझे तो क्रिप्टो के अंदर सिर्फ लॉस हुआ है। कुल मिलाकर क्रिप्टो के अंदर पैसा बर्बाद होता है। अब ये 99% लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा इनके साथ क्यों होता है, इनका पैसा बर्बाद क्यों होता है, इसको समझाने के लिए मैं आपको 3 अलग अलग रियल पिक्चर दिखाना चाहता हूं। और यकीन मानिए, जो इन 3 पिक्चर को समझ गया उसे इस पूरे क्रिप्टो मार्केट के काले सच का 200% पता चल जाएगा। बस यार, दम मत तोड़ना, नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिलने जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहली पिक्चर जो कि एकदम रियल तरीके से मैंने हूबहू यहां पर उतार दिया है। क्या देखिए, 2021 के अंदर लगभग $70,000 के आसपास अपना एक टॉप लगाया था। जब बिटकॉइन की हाइप एकदम चरम पॉइंट पर थी 2021 में, एक के बाद एक बिटकॉइन अपना नया टॉप लगाते जा रहा था, और इसी सबसे बड़े टॉप के ऊपर फ्रेंड्स लगभग 99% लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की। ये मैं 2020-2021 के बुल रन की बात कर रहा हूं। हुआ क्या कि एक बियर मार्केट स्टार्ट हुआ। यह बियर मार्केट फ्रेंड्स हिस्ट्री के हिसाब से बिल्कुल सही समय पर था, 2022 के अंदर स्टार्ट हुआ। और जब बिटकॉइन की प्राइस एकाएक नीचे गिरती गई, तो जिन 99% लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया था फ्रेंड्स, उनका पोर्टफोलियो 90% से 95% तक डंप कर गया। अब ऐसे में क्या होगा, सिर्फ लॉस होगा। जिन कॉइंस को स्पॉट में होल्ड कर रखा था उनमें पैसा फंस गया। अब यहां पर बियर मार्केट चला, $15,000 के आसपास बिटकॉइन की प्राइस हमारे को देखने को मिली, आप सबको पता है। मेरे भाई, यहां पर ऐसा क्यों हुआ इन लोगों के साथ, यार समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कब प्रॉफिट बुकिंग करना है। ये प्रॉफिट बुकिंग यदि किसी व्यक्ति को क्रिप्टो मार्केट में पता नहीं है, तो यह समझ लीजिएगा कि भले उसे कितना ही प्रॉफिट हो रहा हो, उसके आपके सामने भले कितनी बड़ी चीजें उसको देखने को मिल रही हो, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम पर क्या मिलेगा, 0/0। अब ऐसा क्यों होता है यार, आप ऐसी गलती फील करेंगे, इसलिए ये आज मैं आपको चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, आप सभी के हित के लिए, ताकि आप सब आंखें खोलकर अर्निंग कर सके क्रिप्टो से। ये जो आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं ना, जो बहुत कड़ी मेहनत के बाद कमाए जा रहे हैं, उससे आप बच सके। ऐसा क्यों होता है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाते, सीधा सीधा जवाब है एकदम साफ सुंदर शब्दों में, क्रिप्टो साइकिल का पता नहीं। मेरे भाई, यदि क्रिप्टो साइकिल का पता होता, यदि आपको यह पता होता कि 2021 के अंदर बिटकॉइन अपना टॉप लगाएगा और 2021 के अंदर ही क्रिप्टो मार्केट का सेकंड बुल मार्केट होगा, तो आप प्रॉफिट बुकिंग करते। लेकिन आपको क्रिप्टो साइकिल का ही नहीं पता है कि एक्चुअल में हर बुल साइकिल के अंदर 4 साल होती है, और वो कैसे कैसे साइकिल आगे चलती है। अब 2021 के एंड के अंदर भी फ्रेंड्स टॉप लगाया, लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया, और 2025 के अंदर फिर साइकिल के अकॉर्डिंग एक टॉप लगेगा बिटकॉइन का, लेकिन वहां पर फिर से लोग गलती करेंगे। लेकिन जो आज मेरी वीडियो देख रहा है ना, वो आज के बाद, या ये मान लीजिए अगले 10 मिनट के बाद, कभी क्रिप्टो के अंदर 0 पैसा लूज नहीं करेगा। अब मेरे भाई, ऐसा क्या होता है, 70% लोग एकदम न्यू बाइंग करते हैं, पता कहां पर करते हैं, जब क्रिप्टो की बहुत बड़ी हाइप होती है ना, ऐसी स्थिति में, भले वो बात छोटे टाइम फ्रेम पर कर लो, भले वो बात बड़े टाइम फ्रेम पर कर लो, आप एग्जांपल यहां पर देख सकते हैं। अब मेरे भाई, क्रिप्टो बर्बाद नहीं करता है, आपकी प्लानिंग बर्बाद करती है। ये कौन बता रहा है, ये फ्रेंड्स चार्ट बता रहा है। इसके माध्यम से जो मैंने आपको बताई है वो चीज बता रही है। क्रिप्टो तो यार पैसा बनाकर देता है, मैं भी आपके सामने हूं एक उदाहरण, बहुत बार पहले मैंने पैसा गवाया है,
लेकिन जब साइकिल के बारे में समझ में आ गया, जब चीजें समझ में आई है, तब उसके बाद में पैसा आ रहा है, सिर्फ जा नहीं रहा है। तो मेरे भाई यहां पर क्रिप्टो किसी को बर्बाद नहीं कर रहा है, सिर्फ आपकी प्लानिंग जो है, जो आपका नॉलेज है, वो आपको बर्बाद कर रहा है। अब अगर आपको ये पिक्चर नहीं समझ में आई है ना, तो मैं आपको आगे दो पिक्चर और समझा रहा हूं। यदि वो आपने नहीं समझी ना, तो फ्रेंड्स ये जो मैं बोल रहा हूं ना, वो डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बस सिर्फ आप एक जोश और एक पॉजिटिव एनर्जी डालने के लिए बोल रहा हूं। समझ लीजिएगा क्या फ्रेंड्स, सेकंड पावरफुल पिक्चर बियर मार्केट के बाद में क्या हुआ, यहां पर एक बॉटम लगा। देखिए जब बिटकॉइन इतना नीचे आ गया ना $70,000 से, सबको बताया कि बिटकॉइन का भविष्य कितना तगड़ा है, लेकिन जैसे बिटकॉइन $15,000 पर आया, वही 99% लोग या 90% लोग $15,000 के ऊपर बिटकॉइन को, या फिर इसके अकॉर्डिंग जितने भी ओल्ड कॉइन्स डिप में मिल रहे थे, टॉप के फंडामेंटल कॉइन्स, उनको नहीं खरीदा। नहीं यार, बिटकॉइन तो अब $8,000, अब $5,000 जाने वाला है, बिटकॉइन जीरो होने वाला है। पता ये क्या चीज है, ये सिर्फ आपका नॉलेज है, आपको साइकिल का पता नहीं है। अरे मेरे भाई, साइकिल के अकॉर्डिंग तो बिटकॉइन के अंदर बेयर मार्केट आया और फिर यहां पर बॉटम लगाया। अब यहां पर किसी ने बाय नहीं किया, ये सारी चीजें सत्य है एकदम, जो आपके साथ घटित हो रही है, भले आप मानो भले आप मत मानो। हो सकता है आपको मेरी बात सुनकर थोड़ा बुरा लग रहा हो, लेकिन मेरा तो कोई फायदा नहीं है, लास्ट तक समझ आ जाएगा। अब मेरे भाई यहां पर बाय नहीं किया, होते हैं क्रिप्टो की हाइप बनती है, बिटकॉइन एकाएक ऊपर जाता है, ओल्ड कॉइन धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, और जैसे बिटकॉइन $28,000 पर गया, ये 90% लोग, ये छोटे लोग, ये रिटेल इन्वेस्टर एक्टिव होते हैं, अरे यार क्रिप्टो तो वापस ऊपर जा रहा है, पकड़ लीजिए यार, अब तो बस मेरा पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना होने वाला है। अब मेरे भाई ये जो रैली आई ना, एक बहुत बड़े डंप के बाद में इतनी रैली आना तय है। $28,000 पर बिटकॉइन गया और फिर से क्या किया, लोगों ने फुल अमाउंट के साथ इस टॉप के ऊपर बाय कर लिया, और उसके बाद में क्या हुआ, बिटकॉइन की प्राइस नीचे आती गई आती गई आती गई, और $20,000 के आसपास वापस बिटकॉइन देखने को मिल गया। अब फ्रेंड्स बिटकॉइन की प्राइस यहां से यहां पर आएगी, तो जो हाई लेवरेज से ट्रेडिंग करेंगे उनका मनी जीरो होगा या नहीं होगा, होगा। मनी ट्रैप हो गया या नहीं हो गया, टॉप पर हो गया। बहुत दिनों तक मनी फंस गया या नहीं फंस गया, फंस गया। आपका दम बीच में टूट गया या नहीं टूट गया, टूट गया, यह सोचकर कि यार अब तो बिटकॉइन की प्राइस नीचे जा रही है और वापस $15,000 जाएगी, तो थोड़ा सा बचा हुआ माल निकाल लेता हूं, मेरा थोड़ा सा मनी तो बच जाएगा। ये आपकी सोच है, आपकी नहीं, बहुत लोगों की सोच है क्रिप्टो मार्केट को लेकर। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या चल रहा है इस साइकिल के अंदर, और फिर यहां पर सब बर्बाद हो जाते हैं, भले वो स्पॉट हो भले वो फ्यूचर्स हो। हाँ एक बात अलग है, 2-3% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पकड़ लिया किसी कॉइन को, खरीद लिया अपनी सोच समझ के अकॉर्डिंग, वो उसको पकड़ के रखेगा भले उसको कितना ही लॉस हो रहा हो, उसके दिमाग में टारगेट फिक्स है कि मुझे तो सेल प्रॉफिट में ही करना है। उन 2-3% लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो सिर्फ पैसा बर्बाद करते हैं अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग। और आप भी नहीं करते मेरे भाई, आपके साथ ये चीजें होती है ऑटोमेटिकली, आपके साथ ये कराया जाता है। अभी आपको समझ में आने वाली पिक्चर, अब मेरे भाई ये आपको सेकंड पिक्चर समझ में आई होगी, एक थर्ड पिक्चर पे चलते हैं और भी सुंदर। $32,000 पर बिटकॉइन जब चल रहा था, बहुत दिनों तक साइडवेज मूव किया, बिटकॉइन की हाइप लगातार बढ़ रही थी, ETF की न्यूज यहां पर लगातार मार्केट में चल रही थी। अब $32,000 पर बिटकॉइन को नहीं खरीदा करेक्शन के बाद में, वही सेम चीज रिपीट हुई है, हर बार रिपीट हुई है। लेकिन जब बिटकॉइन की प्राइस बढ़ते बढ़ते $50,000 पे चली गई ना, फिर से लोग एक्टिव हो गए, और यार बस अब बिटकॉइन $1,00,000 जाने वाला है, अब बस जो ओल्ड कॉइन्स है वो 10 गुना 20 गुना 50 गुना जाने वाले हैं, लगा दीजिए मनी, अब एकदम सही समय है। कौन सा सही समय आपके अकॉर्डिंग पता है? ये 50,000 वाला। अरे मेरे भाई जब बिटकॉइन यहां चल रहा था, तब आप कहां गए थे? सो गए थे? या आपकी नॉलेज कम पड़ रही थी? नॉलेज कम पड़ रही थी, साइकिल का पता नहीं है, इसलिए यहां पर बाइंग नहीं करी, यहां पर भी बाइंग नहीं करी, सिर्फ यहां पर बाइंग करी, इसके अकॉर्डिंग यहां पर बाइंग करी। अब मेरे भाई मैंने आपको पहले बताया था, फिर बता रहा हूं, यदि बिटकॉइन इतना गिर रहा है तो इतना पंप लेगा, और इतना पंप ले रहा है तो फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। मेरे भाई ये जो चीज है ना, ये एक ट्रेंड को बताती है, लेकिन इस ट्रेंड के अंदर समझने की बात यह है कि खरीदना हमारे को हमेशा यहां होता है, यहां पर खरीदना नहीं होता है, नहीं होता है। ये बात कौन बताएगा? क्या मुझे इस बात को बताने के ऊपर क्या कोई स्वार्थ मिल रहा है? एक लाइक आप दे सकते हैं, वो भी क्या पता आप देंगे या नहीं देंगे, भले मैं मेरा 200% दे रहा हूं, लेकिन मेरे भाई फिर भी मैं मेहनत करके सारी चीज बता रहा हूं, कोई आपको ये बात नहीं बताएगा। अब यहां पर बाइंग नहीं करी, नीचे आ गया, अब यहां पर बाइंग कर ली, उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस नीचे आई और लगभग $38,000 तक नीचे आ गया। अब ऐसी स्थिति के अंदर फिर से सब लोग बर्बाद हो गए, जिनका हाई लेवरेज था, लिक्विडेशन हो गया, जीरो हो गया, मनी ट्रैप हो गया। कहां पर? यहां पर। कैसे हुआ? जैसे यहां पर हुआ था। अब मेरे भाई जब बिटकॉइन की प्राइस नीचे आ गई ना, तो यहां पर आते बस वही 90% लोग सोचने लगे कि अब बिटकॉइन की प्राइस वापस से कहां पर आने वाली है? $32,000, $30,000 आने वाली है, तो अब मैं वहां पर खरीदूंगा। आपने मौका छोड़ दिया, नहीं खरीदा, यहां पर आपने बाइंग ही नहीं करी, और जिन्होंने यहां पर बाइंग करी उन्होंने जाकर यहां पर पैनिक सेलिंग के माध्यम से सेल भी कर दिया। अब मेरे भाई यही से स्टार्ट होता है दोबारा गेम स्टार्ट, बढ़ते गया बिटकॉइन की प्राइस लगभग $74,000 तक पहुंच गया।
यहां पर भाई नहीं किया, लेकिन जैसे ये इतनी बड़ी हाइप देखने को मिली, बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ, फिर बस मार्केट में चारों तरफ लोग पागल हो गए कि यार अब तो बिटकॉइन 100K 200K जाने वाला, ऐसा होगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा। फिर लोग कहां पर खरीद रहे हैं? इस टॉप के ऊपर, वो भी कैसे? फुल बाइंग, पूरा पैसा। अब मेरे भाई एक बार आपके अंदर 1% की समझ तो होगी ना कि यार जब आप टॉप पर खरीद रहे हैं और पूरा पैसा एक जगह लगा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में, और जब बिटकॉइन नीचे आ रहा है फिसलते फिसलते, तो क्या ऑल्टकॉइन्स गिरेंगे? नहीं। अरे मेरे भाई गिरेंगे। क्या आपने जो हाई लेवरेज से ट्रेडिंग ले रखी है, ट्रेड ले रखी है, क्या वो जीरो क्यों नहीं जाएगी? अरे मेरे भाई जाएगी यार। क्रिप्टो के अंदर पैसा बर्बाद क्यों हुआ? आपकी समझ के अकॉर्डिंग, आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग। आपने क्या किया? आप हर बार टॉप पे बाय कर रहे हैं, आप हर बार टॉप पर बाय कर रहे हैं। जब नीचे आ रहा है, जब बहुत नीचे था, जब बहुत नीचे था, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप घबरा जाते हैं, और आपको घबराने के लिए मजबूर किया जाता है। किसके माध्यम से? वेल्स के माध्यम से। अरे मेरे भाई, वेल्स यही तो चाहते हैं, और यही तो क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा काला सच है। आपने आज तक जो गलतियां करी है ना, करेक्शन दम पाने की स्थिति में ना खरीदने की, वो फ्रेंड्स आप अभी बिटकॉइन की प्राइस बहुत नीचे चल रही है ना, करेक्शन लेकर अभी भी आप डर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो अभी बेच रहे हैं कि यार अब बिटकॉइन की प्राइस वापस से $40,000 जाने वाली है, तो मैं बेच देता हूं, थोड़ा सा पैसा बच जाएगा। बहुत जिन्होंने हाई लेवरेज से यूज किया हुआ है, वो जीरो होने वाले हैं। यानी कि यह चीज फिर से रिपीट करने वाले हैं लोग। लेकिन जो वीडियो देख रहा होगा, जो मेरी बात को अंदर तक घुसकर समझ रहा होगा, शायद वो गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसे क्रिप्टो से पैसा बनाना है। मेरे भाई, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये सारी चीजें वेल्स आपके साथ करवाते हैं, आप मानो या मत मानो, बस आपको वेल्स के अकॉर्डिंग सोचना है। अब ये जो मैंने आपको चीजें बताई है ना तीन पिक्चर के माध्यम से, इसका एक बहुत सुंदर रिजल्ट सामने आता है, और इस रिजल्ट को समझना जरूरी है। क्या है यह पावरफुल रिजल्ट? क्रिप्टो के अंदर पैसा फ्रेंड्स खुद नहीं बनता है, यही क्रिप्टो का काला सच है। समझते हैं इस पिक्चर को कैसे। फ्रेंड्स, एक तरफ होते हैं छोटे लोग, और दूसरी तरफ होते हैं वेल्स, बड़े लोग, मोटे पैसे वाले लोग। क्रिप्टो के अंदर मैनिपुलेशन बहुत बड़े लेवल पर होता है, आप सभी को पता होगा। मेरे भाई, बिटकॉइन छोटा डंप लेता है, लेकिन वेल्स उसके अंदर एक थोड़ा सा गेम खेलते हैं, और थोड़ा और बड़ा डंप आता है। छोटे लोग इस डंप को देखकर फ्रेंड्स डरने लगते हैं, और लगभग 90% लोग ऐसे होते हैं डर कर सेल कर देते हैं। आपको पागल बना दिया जाता है किसके द्वारा? इन वेल्स के द्वारा। अब मेरे भाई, यही वेल्स मौका देकर एक पंप लाते हैं। हर बार हुआ है आपके साथ, जरूर हुआ होगा, कमेंट करके बताइएगा। पंप आते ही यही छोटे लोग मार्केट को ग्रीन देखते हैं, और यार अब तो बस किस्मत बदलने वाली है, एकाएक बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, ऑल्टकॉइन ऊपर जा रहे हैं। फिर क्या करते हैं? जो टॉप होता है ना, उस टॉप के ऊपर जाकर 90% लोग बाइंग बना लेते हैं। मेरे भाई, क्या हुआ इस पूरी प्रोसेस में? क्या हुआ? डंप आया, तब आप बेचकर निकल गए, आपका मनी जीरो हो गया, ट्रैप हो गया। पंप आया, टॉप पर खरीद लिया, ट्रैप हो गया। ये पैसा गया कहां पर है? ये पैसा मेरे भाई इस वेल्स के जेब में गया है। और ये जो क्रम है ना, ये क्रम रिपीट 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 होता रहता है। अब यहां पर क्या मिला आपको, समझने का प्रयास करिए। आप 10,000 रुपए लेकर आए, पहले वो 7,000 रुपए बदल गए, फिर वो 3,000 रुपए बदल गए, फिर वो 1,000 रुपए बदल गए, और समय के बाद वो जीरो हो गया। यही तो मिला आपको आज तक क्रिप्टो मार्केट में। क्यों मिला? क्योंकि फ्रेंड्स, आपने इस चक्रव्यूह को नहीं समझा। इसको समझना जरूरी था आपका, लेकिन आप आके बंद करके ये सोचते हैं कि पैसा खुद बढ़ेगा क्रिप्टो मार्केट में, क्योंकि किसी दोस्त ने बताया है ना कि मेरा पैसा तो 10 गुना हो गया रातों रात। अरे मेरे भाई, आपके जिस दोस्त ने 10 गुने के बारे में बताया था, या 5 गुने के बारे में बताया था, उस टाइम पर मार्केट के अंदर क्या कंडीशन थी, और आप जब एक्शन ले रहे हो उस टाइम पर क्या कंडीशन है, बहुत डिफरेंस होता है। क्रिप्टो मार्केट का जो सिनेरियो है, वो हर घंटे, हर 4 घंटे, हर दिन में बहुत तेजी से बदलता है। यहां पर पंप और डंप का बहुत बड़ा गेम चलता है, और इसको समझना जरूरी है यदि आपको पैसे कमाना है ऐसी स्थिति में। तो मेरे दोस्तों, वेल्स के इस काले गेम को समझो, अभी भी टाइम है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्या करें जिससे क्रिप्टो के अंदर एक भी पैसा हमारा बर्बाद ना हो और हम पैसा बना सके। तो अब इसको लेकर मैं आपको 5 ऐसे सीक्रेट पावरफुल पॉइंट बताने जा रहा हूं, जिनको यदि आपने अगले 2 साल तक अपने दिमाग में रख लिया ना, तो हर व्यक्ति अपने पोर्टफोलियो को 100x करेगा इस पूरे क्रिप्टो मार्केट के अंदर। लेकिन बस शर्त यह है कि बिना दम तोड़े, बिना एक सेकंड पल के झपकाए, अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसको चौका तो दिमाग में बिठा लीजिएगा। बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बात बता रहा हूं, कोई भी फ्री में नहीं बताएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह बताने में मेरा कोई फायदा नहीं है। हो सकता है आप एक लाइक दे, और हो सकता है ना भी दे, लेकिन मैं मेरा 200% ईमानदारी के साथ दे रहा हूं, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे जो लोग हैं क्रिप्टो मार्केट के, वो सेफ रहे और एक अच्छी जर्नी अगले 2 साल में तय कर सके और एक अच्छा पैसा बना सके। तो मेरे भाई, यहां पर 5 सीक्रेट पावरफुल पॉइंट्स के अंदर पहला पॉइंट वो यह है, आपको कभी भी टॉप के ऊपर बाइंग नहीं करनी है। यदि एकाएक हाइप बन रही किसी भी कॉइन की, क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन की, तो आपको यह देखना है कि टॉप के ऊपर क्या प्राइस चल रही है,
यदि चल रही है तो फ्रेंड्स आपको टॉप पर बाय बिल्कुल नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है, मौका मिलेगा और 200% आपको मौका मिलेगा, भले ही वो थोड़ा और ऊपर जाकर नीचे आए, भले ही टॉप से थोड़ा नीचे आए, मौका जरूर मिलेगा। आपको एक साथ कभी भी एक बार में किसी भी कॉइन में पैसा नहीं लगाना है। यदि आपके पास 100 रुपए है, आप सोच रहे हैं कि अभी प्राइस अच्छी चल रही है तो मैं यहां लगा देता हूं, तो पूरा 100 रुपए नहीं लगाना, आपको सिर्फ 50 रुपए लगाना है, 50 रुपए बचा के रखना है, हो सके तो इस 100 रुपए के 4 पार्ट बनाइए। अरे फ्रेंड्स 50 रुपए लगाने के बाद में हो सकता है मार्केट नीचे गिर जाए, तो बाकी बचा 50 रुपए आप नीचे लगा दीजिए, या ऐसा हो सकता है कि मार्केट के अंदर 50 रुपए लगाने के बाद मार्केट और ऊपर चला जाए और जाने के बाद में फिर टॉप लगा फिर नीचे आता है, तो फ्रेंड्स ऐसी स्थिति में वो 50 रुपए लगा सकते हैं। ऐसे पार्ट में आपको पैसे को लगाना है। तीसरी चीज फ्रेंड्स, पैनिक में आकर कभी भी सेल नहीं करना है। बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो को लेकर कोई भी बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो ऐसे में पैनिक में आकर सेल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स जो पैनिक सेलिंग होती है ना वो सबसे खतरनाक होती है, और ऐसा क्रिप्टो के अंदर वैसे जरूर करते हैं। अगर आपने किसी बेस्ट फंडामेंटल कॉइन को पकड़ा है ना तो बस आपको उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। चौथी चीज, एक आपको फिक्स टारगेट करना होगा। टारगेट क्या, मान लीजिए आपने किसी कॉइन को 1 रुपए पर खरीदा और खरीदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से लेवल्स पर मेरा प्रॉफिट बुकिंग करना है। एक टारगेट सेट कर लीजिए, दूसरा सेट कर लीजिए, तीसरा सेट कर लीजिए। अगर आपके टारगेट आपके कॉइन को खरीदने से पहले फिक्स नहीं है तो फिर पैसा नहीं बनेगा, और यदि यह सारी चीज है तो यह मान लीजिए कि पैसा आप जरूर बनाएंगे, आपका पोर्टफोलियो सिर्फ ग्रीन 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 होगा। तीसरी बात, यदि आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं ना तो सिर्फ एक बात याद रखना, लेवरेज 2x से 3x तक का होना चाहिए, इससे ज्यादा बिल्कुल यूज मत करना क्रिप्टो मार्केट के अंदर। क्यों मेरे भाई? क्योंकि इसमें रिस्क कम है, यहां पर अच्छा मार्जिन मिल जाएगा, आप आराम से पैसा बना पाएंगे। लेकिन दोस्तों जल्दबाजी के साथ पैसा बनेगा नहीं, याद रखना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और यही क्रिप्टो मार्केट की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। यदि आपने थोड़ा 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 करते हुए क्रिप्टो मार्केट में इकट्ठा कर लिया ना तो बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन फ्रेंड्स जल्दबाजी क्रिप्टो बर्बाद कर देगा। तो इस प्रकार से आज का यह फुली डेडिकेटेड वीडियो आप सभी के हित के लिए था, ताकि आपकी आंखें खुल सके, आप क्रिप्टो मार्केट और वेल्थ के एक काले सच को जान सके। दोस्तों मैंने ये जो 5 पॉइंट शेयर किए हैं, मैं आज नहीं पिछले 8 सालों से क्रिप्टो मार्केट में इसको फॉलो कर रहा हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने समझा होगा, और जिन व्यक्तियों ने इन 5 पॉइंट को समझ लिया मैं लिख कर देता हूं वो क्रिप्टो से एक पैसा बर्बाद नहीं कर सकता, वो सिर्फ क्रिप्टो से पैसा बनाएगा। तो इस प्रकार से आज का ये पावरफुल वीडियो था, मैंने मेरा ईमानदारी के साथ 200% दिया है, निस्वार्थ भावना के साथ। मैं सिर्फ अब यह चीज देखूंगा कि आप सब मिलकर मेरा कितना सहयोग करते हैं, सिर्फ आपके एक लाइक से और एक कमेंट से मुझे पता चल जाएगा कि आज की वीडियो के अंदर कितना पावर है, और आगे की वीडियो आपके लिए ऐसे ही नेक्स्ट लेवल की फिर से देखने को मिलेगी। तो कमेंट करके लाइक आपने कर दिया होगा, कर दीजिए, कम से कम 2000 लाइक इस वीडियो पे आने चाहिए। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय, टेक केयर।